ओके, तो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि ऑप्शन चेन को आप लाइव मार्केट में आपको क्या क्या देखना चाहिए जिससे आपको कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, एंड डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। जो इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा उससे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। बस आपको क्या, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है जो बातें मैं आपको बताऊंगा, और एग्जैक्टली वही इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको आसानी से आपको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते हो तो ये सारा जो मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करता हूँ और ये सारा जो मैं आपको पेडिशन करके भेजता हूँ वो आप देख सकते हो। मैं आपको इजीली आपको बता रहा हूँ, विश्वास रखोगे अपने ऊपर आप और ऑप्शन चेन को लाइव मार्केट में ट्रैक करोगे तो आपको आसानी से प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, एक लॉट से आप अगर ट्रेड करते हो फिर भी आपको 1,000 2,000 आप बना सकते हो आसानी से। ठीक है, मिनिमम 1,000 आप बना सकते हो सिर्फ एक लॉट से, क्योंकि मैं डेली ट्रेड करता हूँ एक लॉट से, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 1,000 डेली आप बना सकते हो। ओके, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। करेक्ट, और मैं आपको वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, ये वेबसाइट है, कैसे आपको ओपन इंटरेस्ट को देखना है इस वेबसाइट पे वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं देना है आपको, कहीं पर भी आप आसानी से आप देख सकते हो। ठीक, तो जो मैं रूल्स बताने वाला हूँ वो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, आपको क्या ध्यान रखना है, ऑप्शन चेन में आपको क्या देखना है, या ऑप्शन चेन या इस वेबसाइट पर आपको क्या देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ऑप्शन चेन पे एक चीज आप देखिएगा, ये क्या है, कॉल का ओटीएम। ठीक है, और ये रहा पुट का ओटीएम। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको चेंज ओपन इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा देखना है और वॉल्यूम को। ओपन इंटरेस्ट को देखना वो तो आसान है, ठीक है, बट चेंज ओपन इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है प्लस वॉल्यूम को फोकस करना है। ठीक है, लाइव मार्केट में जब मार्केट ओपन रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, 9:15 के बाद आपको इस वेबसाइट पर जाना है, और उसके बाद क्या करना है, और इस वेबसाइट पर, दोनों वेबसाइट को ओपन कर लेना है और आपको आसानी से समझ में आता है, क्योंकि इस पे क्या है कि ये जो निफ्टी वाई डाटा ये वेबसाइट है इस पे आप सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट दिखाता है। ठीक है, इस पे वॉल्यूम नहीं दिखाएगा। करेक्ट, तो वॉल्यूम को देखने के लिए हम ऑप्शन चेन का यूज करेंगे लाइव मार्केट में। करेक्ट, अब बात कर लेंगे कि क्या क्या आपको देखना है। आपको सिंपल, आपको क्या देखना है, इस वेबसाइट पे आना है। ठीक है, इस वेबसाइट पे लाइव मार्केट में आना है, आपको ये देखना है सबसे पहले कॉल एंड पुट है ना, कॉल एंड पुट है। और आपको एक चीज ध्यान देना है, अब यहाँ पर आप देखो जैसे कि 3:30 बजे का ये क्लोजिंग है इस वेबसाइट। ठीक है, मॉर्निंग में क्या हुआ है वो मैं आपको बात करता हूँ। इसपे आप ये है कि आप डेटा को आप देख सकते हो है ना, तो जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ओल्डेस्ट डेटा करता हूँ, तो उसके बाद यहाँ पर गो पे करोगे तो आप ये 9:16 से ये क्या डेटा आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब 9:16 से और 15 मिनट और इसमें ऐड करो, 9:16 से 15 मिनट और करोगे तो यानी 45। ठीक है, यानी क्या है कि 30 ये हो जाएगा। ठीक है, 30 यानी 31 मिनट के अंदर क्या हुआ है, 31-32 मिनट के अंदर वो आपको डेटा मिल जाएगा। करेक्ट, अब मैं आपको प्रीवियस डे का ही एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, निफ्टी का मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इस वेबसाइट पे क्या है, ये निफ्टी का है। ठीक है, आप चाहो तो बैंक निफ्टी का भी देख सकते हो क्योंकि सबका मिल जाएगा आपको। ये रहा बैंक निफ्टी ओवाई, आप देख सकते हो ये क्या है, ये बैंक निफ्टी हुआ, तो इसका भी आप ट्रैक कर सकते हो। मैं आपको निफ्टी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसलिए निफ्टी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर ग्रुप को आप फॉलो करते हो, यहाँ पर निफ्टी मैंने ट्रेड दिया था और सभी लोगों को प्रॉफिट हुआ था, इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि कैसे मैं यहाँ पर आपको ट्रेड दिया था। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने प्रॉफिट ही बनाया था। ओके, तो ये हमने जो ओपन ट्रेड किया था यहाँ पर मैंने आपको भेजा था ये ट्रेड। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो कि कितना टाइम हुआ, यहाँ पर 9:35 का ट्रेड है जो हमने ओपन किया था, और उसके बाद मैंने ट्रेड भी ओपन किया था, ये ऐसा देख सकते हो। ठीक है, लगभग 600-700 प्रॉफिट चल रहा था। करेक्ट, तो इसीलिए लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो आपको क्या करना है, 9:35 के मैंने बताया था कि 9:32 पे ये है, तो 9:32 पर अगर आप देखोगे 9:32 पे मार्केट कहाँ पर है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि 9:32 ये रहा। ठीक, तो मार्केट क्या है, मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड आना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 9:32 पे मार्केट क्या है, यहाँ पर था और डाउन ट्रेंड आना स्टार्ट हो गया था, एंड सिंपल ब्रेकआउट हुआ एंड कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ, फॉल हुआ, लगभग 18,000 के आसपास था। ठीक है, लगभग 50 पॉइंट यहाँ से क्या हुआ, मार्केट गिरा, यानी 18,060 से लगभग यहाँ पर 40 पॉइंट मार्केट डायरेक्टली गिरा। ठीक है, तो ये आपको कैसे पता चला, अब बात आती है कि इसमें देखना क्या है वो मैं आपको बताऊँ। ठीक, आपको जब भी आपको देखना है, जब भी आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है ना, जब भी मार्केट को यानी पुट को जब भी बाय करना है तो पुट को ही देखना है। ठीक है,
आपको इसमें क्या है कि इसमें अपोजिट देखना होता है। लोग क्या देखते हैं कि मार्केट गिर रहा है तो आपको पुट वाला देखना है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। जब मार्केट गिर रहा है तो आपको पुट को नहीं देखना होता है, अपोजिट देखना होता है, करेक्ट। मैं आपको समझाता हूँ कि ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, करेक्ट। अब मैं आपको ऑप्शन चेन पे आता हूँ। ऑप्शन चेन पे आपको ये ध्यान रखना है, ये जब मार्केट गिर रहा होगा तब आपको क्या है, आपको इसको ध्यान रखना है, कॉल का ओटीएम पे आपको देखना है, वैल्यू प्लस ओपन इंटरेस्ट। जब मार्केट क्या है ऊपर जा रहा होगा तो पुट का ओटीएम प्लस वैल्यू या ओआई है ना, मतलब वैल्यू चेंज ओआई है ना, वही, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये क्लियर हो गया कि जब मार्केट गिरेगा तो आपको क्या ध्यान देना है, जब मार्केट बुलिश जाएगा तब आपको क्या ध्यान है, ठीक। जब मार्केट बुलिश जाएगा तो पुट का ओटीएम अपने को ध्यान देना प्लस इन द मनी, ऐसा नहीं है, ओके। एंड अब जब मार्केट क्या होगा, मार्केट क्या होगा जब डाउन ट्रेंड आएगा तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको कॉल का ओटीएम, ठीक। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सेलर के हिसाब से आपको देखना होता है मार्केट के, जब मार्केट गिर रहा हो तो सेलर साइड से आपको ट्रैक करना होता है, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता तो क्या होता है, आपको बायर साइड से यानी आपको देखना पड़ता है, करेक्ट है, समझ में आ रहा आप लोग, है ना। जब भी मार्केट गिर रहा हो तो आपको क्या, आपको ये ध्यान रखना है, जब मार्केट आपको गिर रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में आपको देखना होगा, तो हमेशा इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यानी मार्केट गिर रहा है तो आपको क्या देखना है, आपको कॉल साइड पर देखना है, जब मार्केट बढ़ रहा है तो आपको क्या देखना है, पुट साइड यानी अपोजिट अपने देखना होता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो ये है पुट का, करेक्ट। अब ये रहा पुट, तो दोस्तों ये रहा पुट एंड ये रहा कॉल, तो ये ब्लू वाला कॉल अब देखने लिया। अब आपको क्या है, जब मार्केट गिर रहा था 9:35 के बाद, तब हमने यहाँ पर क्या देखा था, हम यहाँ पर देख रहे थे कि कॉल का ओटीएम, ठीक है। जब मार्केट गिर रहा था तो हम क्या देख रहे थे, कॉल का ओटीएम, यानी हम ब्लू वाली कैंडल को फॉलो करेंगे, ठीक है, ब्लू वाली कैंडल को हम फॉलो करेंगे। तो ब्लू वाली कैंडल में ऐसा क्या देखना है जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैं बहुत सी चीजें मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इस वेबसाइट पर वो चीजें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सेंसिबल पर वो अवेलेबल है, तो इस वेबसाइट पर नहीं, इसलिए मैं वो चीजें नहीं बता रहा हूँ। वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जब आपको लाइव ट्रेड में आपको करके दिखाऊंगा सेंसिबल से, तब मैं आपको बताऊंगा। आप क्या देखना है कि सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, ब्लू वाले पे क्या इंक्रीज होना चाहिए, ठीक। यानी ब्लू वाला जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, चेंज ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, एंड प्लस रेड वाला क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक। कहाँ से, ये स्पॉट प्राइस है यानी एटीएम प्राइस है, यानी राइट साइड वाला आपको यहाँ से देखना है 18,000 से 18,100 से, ठीक है। और यहाँ से आपको लेफ्ट साइड वाला, आपको लेफ्ट साइड वाला आपको नहीं ध्यान देना है, ठीक है। जब आप बाई सेलिंग कर रहे हो, पुट को बाय कर रहे हो, तो आपको लेफ्ट साइड वाला नहीं, सबसे ज्यादा आपको क्या ध्यान रहना है, आपको राइट साइड वाला यानी ब्लू वाला आपको देखना है, ठीक है। तो ये एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। क्योंकि इस पे वो डेटा अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ये फ्री वेबसाइट है, इस पे कोई चार्ज नहीं देना होता, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है इस वेबसाइट पे, ओके। तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको यहाँ पर यानी स्पॉट प्राइस से, स्पॉट यानी एटीएम प्राइस से आपको क्या, आपको राइट साइड देखना है, जब भी आपको पुट को बाय करना है, जब भी मार्केट बेरिश आएगा, जब भी मार्केट बुलिश जाएगा, तो स्पॉट प्राइस से आपको क्या देखना है, आपको लैप लेफ्ट साइड देखना है, ठीक। ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं इसमें, जब भी मार्केट गिर रहा हो तो यह रेड वाला क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर रेड वाला जो है, रेड वाला कॉलम कम नहीं हो रहा है, यानी से 2,200 है, 4,300 है, 600 है, ठीक है, अगर ये कम नहीं हो रहा है तो ये ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा क्या बढ़ना चाहिए, आपका ब्लू वाला परसेंटेज जो है बढ़ना चाहिए, ये वाला, ठीक है। रेड वाला या तो कम हो या तो जितना है उतना ही रहे, ठीक है, ये ध्यान देना। और सेकंड थिंग आपको यहाँ पर देखना है, आपको लेफ्ट साइड में देखना है कि ये जो रेड वाला है इधर से कम होना चाहिए। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि रेड वाला क्या होना चाहिए, दोनों तरफ से कम होना चाहिए, ठीक है, और इस साइड ब्लू वाला इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ठीक। ये आपको ध्यान दे, यहाँ देखो कंफ्यूजन हो सकता है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए फिर से आप समझो, यानी ये स्पॉट प्राइस, ठीक है, यानी सीधे सीधे समझो एटीएम है ना, यहाँ पर है मार्केट, अभी मान लेते हैं कि 18,000 पे प्राइस है, ठीक, 18,050 पे प्राइस है, मान लेते हैं कि 18,050 पे, एंड उसके बाद 18,050 पे प्राइस है, मानते हैं, ठीक है, 18,050 एंड 18,100, यानी मानते हैं कि बीच में कहीं प्राइस चल रहा है, करेक्ट, बीच में कहीं प्राइस चल रहा है, या 18,050 ही चल रहा है, सीधे सीधे समझने के लिए, 18,000 क्या है, 18,000 पे मार्केट अभी है, यहाँ पर 20 लाइन दे दिया,
अब आपको क्या देखना है, जब मार्केट गिर रहा है तो आपको ये ब्लू वाला जितना ये कॉलम है ये क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, ये क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, और इसमें जो रेड वाला है यानी यहाँ से 18,050 से यहाँ तक, ये रेड वाला जो कॉलम है ये घटेगा नंबर। ठीक है, यानी पोजीशन क्या होगा, एग्जिट होगा। जिन लोगों ने पोजीशन को बाय करके होल्ड किया वो क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। तो यानी वो क्या करेगा, यहाँ पर क्या होगा, वो क्या पोजीशन क्लोज करेंगे तो ये नंबर घटेंगे सारे और ये कैंडल्स जो है ये और कम होंगे। ठीक, बट अब लेफ्ट साइड देखना है, यहीं पर आपको लेफ्ट साइड भी ध्यान देना है। लेफ्ट साइड क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो आपका ये ब्लू वाला है, ब्लू वाला लेफ्ट साइड बढ़ना नहीं चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या तो उतना ही हो, यानी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ना चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ब्लू से ब्लू बढ़ेगा ही ना तो इसका मतलब मार्केट क्या हो, शिफ्ट हो रहा है ना, यानी बुलिश से बेरिश से क्या हो रहा है, बुलिश हो रहा है। करेक्ट, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर, आप समझो। अब मैं आपको यहाँ पर 2 मिनट का स्किप करके आपको ध्यान देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। 1,12,000 है, 78,000 है, 76,000। अब जैसे 2 मिनट में आगे करूंगा देखना यहाँ पर नंबर चेंज हो जाएगा, या मैं 5 मिनट करता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर देखो 1,12,000 से 14,000 हो गया, 78,000 से लगभग 79,000 हो गया है ना, यानी 79,000 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 78,000 हो गया। करेक्ट, तो अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ का देखो रेड वाला देखो, यहाँ पर रेड का देखो, यहाँ पर रेड का देखो, यहाँ पर रेड का, यानी ये क्या हो रहे हैं, नंबर कम हो रहे हैं। एंड ब्लू वाला क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है कि सेलर क्या कर रहे हैं, सेलर जो है वो एक्टिव हो रहे हैं, और क्या है, जो बायर लोग पोजिशन को होल्ड किए थे वो लोग एग्जिट कर रहे हैं। ठीक, अब आगे फिर से 5 मिनट में स्किप करता हूँ, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा नंबर देख लीजिए, 1,14,000 है लगभग, ये यहाँ पर 78,000 देखते हैं, 19,000 देखते हैं, एंड 19,000 देखते हैं, यहाँ पर 26,000 है। ठीक, अब यहाँ पर जैसे 5 मिनट करूंगे सारे नंबर क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सेलर और व्यक्तिव हो रहा है। ठीक, तो लगभग ये 19,000 19,000 है, लगभग ये क्या है कि 19,000 से 20,000 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि लगभग 4,000 बढ़ गया, यानी 79,000 हो गया, 83,000 हो गया। ठीक, ये 79,000 हो गया, यहाँ पर क्या है कि 1,20,000 हो गया। ठीक, इसका मतलब ये आपको आइडिया कि मार्केट अभी भी से क्या है, डाउन ट्रेंड जाएगा, तो हम पोजीशन क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। ठीक है, करेक्ट है, तो इस हिसाब से आप समझो। ठीक, अब मानते हैं कि 5 मिनट और आगे करते हैं, 5 मिनट और आगे करते हैं। ठीक है, तो अब देखो 9:55 पे मार्केट अभी भी है, यहाँ पर देखो मार्केट क्या है, यहाँ पर आपका बेरिश ही चल रहा है। बट एक पॉइंट आपने ध्यान दिया होगा, ये रेड वाला क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, और यहाँ पर भी देखो ये रेड वाला क्या, इंक्रीज हो गया। ठीक, इसका मतलब ये कि सेलर जो है, मतलब जो सेलर है वो बाइंग पोजीशन क्या एक्टिव कर रहा है ना, बाइंग तक क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो एक्टिव कर रहा है ना, यानी माय डियर फ्रेंड्स कॉल को क्या कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो बाइंग पोजीशन यानी कॉल साइड से क्या एक्टिव हो रहे हैं ना, यानी बायर क्या एक्टिव हो रहे हैं। करेक्ट, तो अब यहाँ पर आप देखो सेम टाइम पे यहाँ पर देखो, या तो रेंज होगा या तो मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा। ठीक है, एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो 9:57 है, और आप इस वेबसाइट पे देखो 9:55 है। ठीक है, यानी 5 मिनट बाद यानी 10 बजे आप देखोगे, ये देखो आसमान छू गया, यानी 1,40,000 हो। ठीक है, अब यहाँ पर 71,000 देखो, 70,000 देखो। ठीक है, इसका मतलब ये कि मार्केट बुलिश होने की चांसेस, यहाँ पर रेंज होने का चांसेस, यानी हम क्या करेंगे, एग्जिट करने का प्लानिंग करेंगे। ठीक है, मैं 2 मिनट पीछे करता हूँ तो आपको समझ जाएगा, यहाँ से पीछे होगा, 5 मिनट पीछे करते हैं। अब इस नंबर को आप ध्यान देना है, 1,40,000, 71,000, 70,000, ये नंबर क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, ये नंबर क्या होंगे, कम है, बट ये ब्लू वाले में क्या होंगे, ये कम नहीं होंगे। ठीक है, या तो ये उतना ही रहेंगे या तो ये ज्यादा हो जाएंगे। ठीक, अभी आप देख, 5 मिनट पीछे करूंगा, यहाँ पर देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1,40,000, 39,000 हो गया, 70,000, 70,000 ही है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा कम हुआ, एंड 1,26,000 ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या, 87,000, यहाँ पर 82,000, तो आप समझ रहे हो। देख लो यहाँ पर 5 मिनट के अंदर ही आप कंफर्मेशन कुछ निकाल सकते हो, आइडिया लगा सकते हो कैसे मार्केट किस डायरेक्शन में मूव होगा। करेक्ट, और 10 बजे के बाद देखो मार्केट क्या हुआ है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर करूँ 10 बजे, तो 10 बजे के बाद मार्केट क्या, यहाँ पर देखो बुलिश कैंडल बनना स्टार्ट। ठीक, बुलिश कैंडल बन, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, रेंज हुआ, उसके बाद मार्केट फिर से जाके बुलिश हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ ना, माय डियर फ्रेंड्स बहुत सारे यूट्यूबर हैं आपको बताते हैं ये चीजें आपको सब लोग बताते हैं कि यानी ओपन इंटरेस्ट,
यानी एक ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, ठीक, एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया, तो वॉल्यूम क्या हुआ, यानी हमने एक तरफ बाय किया, ठीक है, तो वॉल्यूम जो हुआ वो एक हुआ, यानी ओपन इंटरेस्ट भी एक हुआ एंड वॉल्यूम भी एक हुआ। और इसी कॉन्ट्रैक्ट को हमने अगर सेल कर दिया तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम दो हो जाएगा, पर ओपन इंटरेस्ट क्या है, एक ही को हमने बाय सेल किया, इसीलिए वॉल्यूम देखना इंपॉर्टेंट है कि कौन क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक। जब सेलिंग होगा तो क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता भी है, वॉल्यूम भी उस केस में बढ़ता है, ठीक है। बट क्या है, वॉल्यूम उतनी तेज से नहीं बढ़ता है, पर ओपन इंटरेस्ट काफी तेज से बढ़ता है, फिर जाके वॉल्यूम भी उतनी तेज से बढ़ना स्टार्ट करना। इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ पर ये 13 लाख इतना ज्यादा ज्यादा वॉल्यूम कहाँ से आ जाता है ना, क्योंकि बाइंग होता है सेलिंग भी, यानी जो बाय किया वो एग्जिट करता है ना। तो ये सब चीजें क्या है, अदर यूट्यूबर बताते, यानी अदर लोग बता रखे हैं पूरा भर के वीडियो, बट ये जो मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ ना, ये आपको बहुत रेयर वीडियो आपको देखने, आप लाइव मार्केट में जो ये कॉन्सेप्ट मैं आप तक बताया हूँ, इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो एग्जैक्टली आप एंट्री निकाल सकते हो, ठीक है, एग्जैक्टली आप फाइंड कर सकते हो कि मार्केट किस डायरेक्शन मूव होने वाला है अगले 15 मिनट या 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंस पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि मैं इतना ही बता, पार्ट टू में पूरा और डिटेल बताऊंगा, प्रिंसिपल से मैं लाइव मार्केट में आपको बताऊंगा, लाइव मतलब ट्रेड करके प्लस ये सब एनालाइज करके, तो आपको और ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और एक इंपॉर्टेंस पॉइंट बताता हूँ, उसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, एक बोनस पॉइंट बताता हूँ इस वेबसाइट, क्योंकि ये फ्री वेबसाइट है तो सारी चीजें इस पे अवेलेबल नहीं रहती है, ठीक है, क्योंकि आप इसे इस वेबसाइट से सिर्फ आप मॉर्निंग में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, यानी मॉर्निंग में ट्रेड कर सकते हैं, रिवर्सल पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, यानी ये वाला जो ट्रेड है ये ट्रेड आप नहीं ट्रैक कर सकते हो, यहाँ पर ट्रैक करना पॉसिबल नहीं, समझ रहे हो आप, यानी इतने टाइम में क्या हुआ है, कौन बायर कौन सेलर आया है, वो आप नहीं ट्रैक कर सकते, ठीक, वो आप इस वेबसाइट से आप ट्रैक नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये वेबसाइट का है, ये टोटल ओपन इंटरेस्ट दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि 9:16 से ये वेबसाइट कैप्चर करना स्टार्ट करती है, ठीक है, 9:16 से ये 9:56 तक पूरा ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है। अगर मैं 20 की अगर मैं बात करूं कि 9:30 से या 9:45 के अंदर क्या हुआ है, ओपन इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ कितना एग्जिट हुआ, वो ये वेबसाइट नहीं दिखाता है, ठीक है, वो सेंसिबल दिखाता है ना, क्योंकि वो कस्टम वहां पर टाइमिंग कस्टम होता है, वो एग्जैक्टली दिखाता है। तो इस वेबसाइट को यूज आप तभी करना है, जो कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ तभी अप्लाई करना, सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग ट्रेड में, आफ्टरनून में यानी रिवर्सल पे आप ट्रेड नहीं फाइंड कर सकते हो, ठीक है, यानी ये ट्रेड ट्रैक करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें आप फंस जाओगे और फिर आप कहोगे कि वर्क नहीं कर रहा है। तो ये बोनस पॉइंट है आप लोगों के लिए, जो ये चीजें इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इन सब चीजों से मैं बहुत पहले यूज कर चुका हूँ, ठीक है, मैं कस्टम यूज कर चुका हूँ, टोटल ओपन यूज कर चुका हूँ, ठीक है, सब कुछ मैं यूज किया हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पर ये जो इंपॉर्टेंस पॉइंट बताया हूँ कि आप ये ट्रैक नहीं कर सकते हो, ये बहुत रेयर केसेस में बहुत लोग जो यूज करते हैं उनको पता है, बट काफी लोग टोटल ओपन इंटरेस्ट यूज करते हैं जो वो गलती करते हैं, ठीक है, तो आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा फ्रेंड, ठीक है, इस वेबसाइट को इसीलिए आप यूज कीजिए सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग ट्रेड करने के लिए, या तो बाइंग या तो सेलिंग, ठीक, ओके। तो आई होप का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा फ्रेंड, एंड अगर आप कोर्सेस वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल आपको लाइव मार्केट में आपको बताता हूँ कि कैसे आप सेंटीमेंट पता कर सकते हो, बड़े प्लेयर का कैसे आप ओपन इंटरेस्ट देख सकते हो प्लस वॉल्यूम देख सकते हो, ठीक है, बड़े प्लेयर कितना अपने ओपन इंटरेस्ट यानी उनका इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ या कितने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ओपन किए हैं, ठीक है, उसको आप ट्रैक कर सकते हो, और उसके हिसाब से आप पूरा लाइव मार्केट में वाई डेटा को रीड कर सकते हो, हर 5 मिनट 10 मिनट का डेटा मैं आपको बस ट्रैक करना सिखा सकता हूँ, ठीक है, हर 5 मिनट का डेटा कैसे आप पता कर सकते हो, और स्टेप बाय स्टेप आपको बता सकता हूँ कि 15 मिनट मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, 15 मिनट के किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, तो इतना इजी नहीं है, इसीलिए फीस भी मैं ज्यादा रखता हूँ, ओके, क्योंकि मैं मेहनत से सिखाता हूँ जिससे आप सीखने के बाद आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ मेरे बारे में जानना है या आप ये समझ रहे हो कि मैं इसमें आपको इन्फॉर्मेशन नहीं बताता, तो आप मेरा कम से कम इस ग्रुप को आप ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, आप सिंपल इस ग्रुप को ज्वाइन हो जाओ और लगभग 1 महीना कंटिन्यू मुझे फॉलो करो, ठीक है, 1 महीने के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कितने पावरफुल तरीके से मैं ट्रैक करता हूँ लाइव मार्केट में, लाइव मार्केट में सब कुछ मैं आपको इसलिए अवेलेबल करता हूँ ताकि आप ये समझ पाओ कि एग्जैक्टली कैसे ट्रेड को
किया जाता है। ओके, तो 1 महीने आप जरूर फॉलो करो मुझे, उसके बाद आप ग्रुप एग्जिट कर सकते हो, चैनल को अनसब्सक्राइब करके किसी और ट्रेड को फॉलो कर सकते हो जिससे आपको बेनिफिट हो। ठीक है, मैं सिर्फ आपको वैल्यू देना चाहता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपको पहुंचाना चाहता हूँ जिससे जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग पैसे बना पाए। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 लॉट से ट्रेड करता हूँ मैं, यहाँ पर भी देखो 1 ही लॉट है। ठीक है, 1 लॉट से ट्रेड करके आप डेली का 1,000 से 5,000 के बीच बना सकते हो। दूसरे दिन भी 1 लॉट से ट्रेड किया आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे एंट्री लेता हूँ वैसे मैं आपको भेज देता हूँ ताकि आप लोग भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाते रहो डेली। ओके, ताकि आपको बिलीव रहे कि कैसे आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो विद कंफर्मेशन एंड कॉन्फिडेंस के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बाकी ये कोर्सेस वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हो, 30% का डिस्काउंट भी हमने दिया हुआ है ना, ये 30% का डिस्काउंट भी है। ओके, ऐसा नहीं है कि 30% में 50% भी दे सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, बाकी अगर आप ज्वाइन करोगे तो मैं उसके लिए कम कर सकता हूँ। करेक्ट है, मेरा मोटिव ये है कि पैसे पैसे में कमा लेता हूँ, ऐसे बात नहीं, मैं बहुत तरीके से पैसे कमाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ट्रेड ही करता हूँ, और भी मेरे मल्टीपल अकाउंट है जो मैं सिर्फ क्योंकि मैं और हैंडल करता हूँ, तो वो सब मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ डिटेल में। सब कुछ वीडियो आने वाला है, पर थोड़ा पेशेंस रखिएगा, 1 महीने 2 महीने बाद मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ अपने बारे में, बहुत डीपली, जो मैं आज तक नहीं बताया आप सभी को। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच, मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।